हेलो, गुड मॉर्निंग. माय ऑडिबल, माय विजिबल, ओके. चंदन बहन, शांति, सब अपना कैमरा ऑन कीजिए. आज हम थोड़ी सी अफर्मेशंस करेंगे अबाउट हेल्थ. कि हमारा जो डाइट प्लान है वो 5 अक्टूबर से, 5 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन करते हैं. हाय मिसिंग गर्ल, हाय, कहाँ हो आप? हेलो मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम. तो आज हम अफर्मेशंस करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ के बारे में, है ना. मैंने पहले भी कहा था. क्या होता है, वेट लॉस का डाइट प्लान हमारे मोबाइल में आ ही जाता है ना. डाइट प्लान कहीं से आ जाता है, हमारे पास डाइट प्लान होता है, लेकिन हम फोकसफुली कर नहीं पाते, है ना. कई टाइम मेरे साथ भी होता है, लेकिन हमारे साथ अगर कोई गाइड है, हमें कोई हेल्प करने वाला है, 24 आवर्स हमारे सपोर्ट में है कि आप ये खाओ, ये करो, आपने क्या खाया, क्या पिया, है ना. मॉर्निंग से लेके रात तक अगर आपके साथ कोई है, कोई गाइड है, आपको गाइड करने वाला है, कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ खा लिया, अभी क्या करना है, वो बोलने वाला अगर आपके साथ है, दिस इज गुड. तो ये प्रिपरेशन है कि अगर हमारा वेट लॉस अच्छा करना है, हमें 5 डेज अच्छे से वेट लॉस करना है, तो ये 3 डेज है वो हम प्रिशियस है हमारे लिए, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट है. कल इवनिंग में जैसे व्योमेश सर ने बोला था, जैसे हमें सब चीजें सिखाई थी कि वाटर टेक्निक कैसे करते हैं, अफर्मेशंस कैसे करते हैं, और नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सारी चीजें सिखाई थी. और आज इवनिंग में भी वो आने वाले हैं, मिस मत करना वो चांस. डेफिनेटली जैसे पायल थी वहां पे, चंदन मैडम थे, चेतना बेन थे, है ना, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डेफिनेटली अटेंड किया था. और जो सर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो रिकॉर्डिंग नहीं देते किसी को, मैं रिकॉर्डिंग देती हूँ, क्या कि ताकि आप लोग जान पाओ कि किस तरह से हम लोग करते हैं. लेकिन सर स्ट्रिक्ट है उनके रूल्स के लिए, तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकी. तो डेफिनेटली इवनिंग में आना है माइंड सेट के लिए. यहाँ पर वेट लॉस सिखाऊंगी, शाम को होगा माइंड सेट, तो दोनों को कंबाइन करके एक बड़ा सा रिजल्ट आएगा, ठीक है. तो ये जो आज हम है वो 8 दिनों के बाद हम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा माइंड फोकस होगा, हमारा गोल सेट होगा, हमारा विजन होगा कि हमें यहाँ तक जाना है ना. और उसके साथ एक अच्छा डाइट प्लान होगा, जो आपको पूरा दिन कुछ खाते पीते गुजरे के वेट लॉस भी होगा, इजीली आप इंच लॉस भी कर पाओगे. और लास्ट डे हम, आज मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगी, आज किसी को मैं एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज हम सिखाने वाले हैं, है ना. सीखने के मूड में है. आफ्टर 8 डेज हम रिजल्ट शेयर करेंगे कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या सीखा आपने, है ना. तो आज कुछ अच्छी से पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे. तो जैसे ऑलवेज जो व्योमेश सर है वो बोलते हैं कि कैमरा को ऑन करना है आप सबको, दिस इज कंपलसरी. बाय, आप जहां पर भी हो कैमरा ऑन कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे हीलिंग होने वाली है. और हीलिंग ऐसी होने वाली है, जैसे अगर आप वीडियो ऑन करते हैं तो सारी चीजों आप अच्छे से सुन सकते हैं, मेरे एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, और मैं आपके एक्सप्रेशंस को, आपके जो चक्रास है उसको देख सकती हूँ, आपके फीलिंग्स समझ सकती हूँ. और यहाँ से जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, सर ने कल बोला था, तो आपको एनेस्थेसिया देते हैं. वाई? बिकॉज आपको एक अच्छी सी वो ट्रीटमेंट देने वाले. वैसे हमारे भी थोड़े रूल्स होते हैं, कैमरा ऑन रखिए, फोकस रहिए, सुनिए, जो चीजें आ रही है वो रिसीव कीजिए, ऑलवेज रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है. तो यहाँ पे कैमरा मैं ऑफ करूंगी, लेकिन आपको ऑन रखना है, और जो भी मैं बोलती हूँ मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक. दिस इज अ वेरी पावरफुल मीटिंग, 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन पूरा दिन एनर्जेटिक जाएगा. और एक कंप्लेन है ग्रुप में, कोई भी शेयर नहीं करता है कि मैंने ये खाया वो खाया, राइट. मेरे साथ शेयर करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो है प्री प्रिपरेशन है. मैंने बोला था किसी भी कॉम्पिटिशन में जाना है उससे पहले तैयारी करते हैं ना, ये वही तैयारी है, माइंड को सेट करना, क्योंकि हेल्थ सबसे अच्छी होती है. हमने सुना होगा कि हेल्थ इज अ वेल्थ, है ना. जो हेल्थ है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, आप सोचिए कि आपको बहुत डिजीज है या फिर कोई बीमारी है, तो आप फोकस पर कर पाओगे, आपकी जॉब पर आप जॉब करने जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, है ना. जाओगे लेकिन फोकस आपका आपकी हेल्थ पर होगा कि मुझे यहाँ पे पेन है, मुझे वहां पे पेन है, मुझे ये दवाई लेनी है. ऑलवेज आपका थिंकिंग आपकी हेल्थ पर होगा, हेल्थ सबसे मेजर है. अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आपके रिलेशन भी अच्छे नहीं होंगे. सोचो कि आप बीमार की बीमारी रहते हो, या कोई आपको ऐसी बीमारी है, लेकिन लंबे टाइम तक है तो फैमिली वाले भी बोर हो जाएंगे, यार ये तो बीमारी रहता है, आप वहां पे मत आओ, आप वहां पे मत आओ, है ना.
वो भी आपके साथ छोड़ दे। तो हेल्थ सबसे मेजर, अगर हेल्थ अच्छा है तो रिलेशन अच्छा होगा। आप ऑलवेज स्माइलिंग रहते हो, आप ऑलवेज फ्रेश रहते हो, तो आपके हस्बैंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, या फिर आपके मम्मी पापा है, आपके भाई बहन है, वो भी आपके साथ अच्छे से कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप अच्छे से ग्रो करते हो अंदर से, आपका बॉडी है वो अच्छा है। फिर मैंने कल बोला था कि बॉडी को टेम्पल की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए। लाइक मेरे पहले के मैं फोटोज शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर, आप देखना कि वो फोटो कैसे है और आज मैं कैसी। मैं 39 रनिंग है, ठीक है, वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मैं लगती हूँ नहीं, लगती हूँ मैं 39 की नहीं, मेरी बॉडी 39 की नहीं लगती है, मेरा माइंड भी नहीं है, क्योंकि मैं एक्टिवली हूँ और बॉडी को मैं टेम्पल की तरह ट्रीट करती हूँ। कुछ भी हो जाए हेल्दी ही खाना, ठीक है, नॉन हेल्दी चीजों को भी हेल्दी बना के खाना है। बॉडी में ऐसी ही चीजें डालनी है जैसे मंदिर में डालते हैं, मंदिर में कचरा डालते हैं, नहीं डालते ना, वो बाहर डालते हैं। मंदिर में जाते हैं तो एक पवित्र वातावरण होता है, वैसा माइंड का भी सिचुएशन होना चाहिए कि अच्छा खाओ अच्छा सोचो, जैसा अन्न वैसा मन। अच्छा खाते हैं, प्रोटीन वाला खाते हैं, न्यूट्रिशन वाला खाते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट होता है, तो आपका माइंड भी शांत होता है और अलग अलग चीजों पर आप फोकस कर पाते हो। आपके बिजनेस पर आप फोकस कर पाते हो, आपके रिलेशन पे अच्छा फोकस कर पाते हो। तो मेन थिंग मेरी कहनी की है कि हेल्थ को ही अच्छा रखना है। अगर हेल्थ अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, पैसे अच्छे आएंगे, आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी, ठीक है। हेल्थ अच्छा नहीं है, सारे आपके जो गाड़ी के पंचर हो जाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा, बिलीव मी। तो यहाँ पे होगा आपका माइंड सेट और बॉडी सेट। आर यू रेडी? मैं आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 5 से 10 मिनट लूंगी, लेकिन ये जो 5 से 10 मिनट पूरा दिन का चार्जिंग कर जाएगा। जैसे मोबाइल पूरा चार्जिंग है ना, तो आप कहीं पे भी जाओ आपको चिंता नहीं रहेगी, लेकिन 20% बैटरी होगी आपके मोबाइल की, आपको लगेगा कब चार्जर मुझे मिलेगा, मेरा मोबाइल नेटवर्क मिलेगा कि नहीं, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी, मोबाइल बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, मॉर्निंग में हमारा जो बैटरी है बॉडी का, माइंड का, वो पूरा फुल करना है, ये पूरा दिन चलेगा इवनिंग तक। इवनिंग में सर फिर से चार्जिंग कर देंगे, है ना। सो ऑल द बेस्ट, एंड मैं हमारा कैमरा बंद करती हूँ और यहाँ से हम थोड़ा सा ओके। सो सीट कंफर्टेबली, अच्छे से कंफर्टेबली बैठ जाइए। आपका राइट हैंड जो है वो अपने हार्ट पर रखिए, अपने आप को म्यूट रखना है सबको, ताकि यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना हो। कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मैं आपके चक्रास को देख पाऊँ, आपकी फीलिंग्स को, आपके एक्सप्रेशंस को देख पाऊँ। और यहाँ से अगर आप जानते हो तो मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, तो यहाँ से जो हमारे एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड जो आएंगे वो लाइक का ट्रीटमेंट, हर एक शब्द में एक ट्रीटमेंट होगी, हर एक शब्द में चक्रा हीलिंग होगा और आपका माइंड और बॉडी हील होता रहेगा। ओके, आंखें बंद रखनी है, मन को शांत रखिए, एक से दो गहरी सांस लेंगे, मेरे साथ करिए। फिर से लेंगे, रिलैक्स, पूरे पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग पर रखेंगे और धीरे से अपनी हार्ट बीट को फील कीजिए, अपनी धड़कनों को फील कीजिए। बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में जो भी आवाजें हो रही है, उसको फील कीजिए। ऑलवेज हम दूसरों पर फोकस करते हैं, ऑलवेज हम दूसरों के साथ अपनी खुशियों को कंपेयर करते हैं। मेरा भाई, मेरे मदर फादर अगर मुझे खुश रखेंगे तो ही मैं खुश होंगी। दिस इज ट्रू? नो, ये रॉन्ग है। अगर मैं खुश हूं तो सामने वाला भी खुश रहेगा। ऑलवेज हम दूसरों के ऊपर खुशियां ढूंढते हैं, अगर उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे कुछ बोला तो मैं दुखी हूं, अगर उसने मुझे हंसाया, उसने मेरी तारीफ की तो ही मैं खुश हूं। नो, अगर मैं अंदर से खुश हूं तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर मेरा माइंड पॉजिटिव है, फाइल आंखें बंद करो अपनी और जस्ट फोकस करो मेरी अफर्मेशंस पर बेटा। मैं खुश हूं अंदर से, मेरा मन खुश है,
मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो हमें अपने आप को प्रॉमिस करना है, हमें आज करना है, अपना अपना नाम लेना है, जैसे मैं देती हूँ, आई प्रॉमिस यू दृष्टि, अपना अपना नाम लेना है जोर से, ताकि मन अंदर तक सुन सके। आई प्रॉमिस यू दृष्टि कि मैं आज से आधा घंटा, हाफ एन आवर, मैं अपने लिए सोचूंगी, मैं सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में सोचूंगी। पूरा दिन जैसा भी जाए, लेकिन रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने माइंड को चार्ज करूंगी पॉजिटिवली। जो अफर्मेशंस सर ने कल ग्रुप में डाला था, इंग्लिश हिंदी गुजराती में है, आप कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल, उसको प्रिंट आउट करवाओ, अपने साथ रखो, और एवरी मॉर्निंग में 10 मिनट ये बोलो, सोने से पहले बोलना है। तो मैं दृष्टि अपने आप को प्रॉमिस देती हूँ कि जो भी अफर्मेशंस ग्रुप में थी या फिर मेरे पास भी होगी, वो मैं मॉर्निंग में बोलूंगी और सोने से पहले। आधा घंटा मैं अपने आप को दूंगी, क्योंकि मुझे ग्रो करना है, मुझे बैलेंस रहना है। लाइफ में हैप्पीनेस भी आती है और सैडनेस भी आती है, लेकिन मुझे दोनों को बैलेंस करना है। जैसे मॉर्निंग होती है, नाइट होती है, सुबह होती है और रात भी होती है, वैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है और खुशियां भी आती है, लेकिन मुझे दोनों को बैलेंस करके चलना है। जैसे सुबह की किरणें खुशियां लाती है, उजाला लाती है, वैसे ही रात का अंधेरा नेगेटिविटी भी लाती है। लाइफ में भी ऐसा है, आज खुशियां है, कल दुख होगे, लेकिन दुख के बाद मैं खुशियों की राह देख के खुश होगी। आज से, अभी से, तभी भी प्रॉब्लम आएगा, मैं स्माइल करूंगी, क्योंकि रात के बाद सुबह आती है, वैसे दुख के बाद हमेशा खुशी आती है, क्योंकि कुदरत का नियम है, कुदरत सबको बैलेंस करके चलता है। आंखें बंद रखनी है, आंखें बंद रखने से फोकस होगा, प्लीज आंखें बंद करो, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं। जैसे दुनिया का नियम है, कुदरत का नियम है, वो ऑलवेज सबको बैलेंस रखता है। जस्ट पास में जाओ, अपने अपने पास में जाओ, कहीं पर भी आपने सोचा होगा कि ये सिचुएशन सबसे खराब है, वर्स्ट सिचुएशन को विजुलाइज करो जस्ट फॉर 30 सेकेंड, कि ये सिचुएशन लाइफ के सबसे खराब थी। मैं सोचती थी कि मैं फेस नहीं कर पाऊंगी, फाइनेंशियली क्राइसिस होगा, फैमिली के साथ कुछ भी होगा, स्टडी के साथ कुछ भी होगा, बचपन में कुछ हुआ होगा। जस्ट विजुलाइज कोई एक इंसिडेंट, कोई एक ऐसी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने सोचा होगा कि ये कैसे आ गई मेरी लाइफ में और उसको मैं फेस नहीं कर पाऊंगी, बट आपने हैंडल किया, वो सिचुएशन गई और बहुत सारी खुशियां भी लाइफ में आई। जस्ट विजुलाइज 5 to 6 ऐसे सिचुएशन जो लाइफ को बहुत हैप्पी बना दे रहे थे, वो खुशियां लाइफ की सबसे बेस्ट थी। जैसे अच्छा रिजल्ट, अच्छे दोस्त, अच्छी पिकनिक, हॉलीडे, अच्छा गिफ्ट, बहुत सारी ऐसी लाइफ में खुशियां आए जिसको हमने देखा ही नहीं, आई और चली गई। तो दुख भी आता है और सुख भी आता है, दिस इज द रूल्स ऑफ यूनिवर्स। तो आज से मैं दृष्टि अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, अपना अपना नाम लेंगे, मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, ट्रेजेडी आए, दुख आए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, मैं क्या करूंगी, स्माइल करूंगी और अपने आप को नॉर्मल रखने का प्रयत्न करूंगी। वैसे ही जैसे सिचुएशन खुशी वाली आए, बहुत सारी खुशी आई लाइफ, कितनी हैप्पीनेस आए, कोई सरप्राइज मिले, अच्छा सा रिजल्ट आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस टाइम पर भी मैं बैलेंस रहूंगी।
नहीं खुशियों से छलकना है ना दुख से जाना है, और बीच में बैलेंस बना के सुख आए या दुख आए मेरी स्माइल वैसी की वैसी रहेगी। ना तो खुशियां मुझे हिला सकती है ना ही दुख मुझे हिला सकता है, बिकॉज आई एम फोकस्ड, आई एम यूनिक। खुशियों से बहुत ही खुश नहीं होना है और दुख से बहुत दुखी नहीं होना है। खुशी आएगी दुख आएगा, इट्स अ बैलेंस्ड। आज से मैं याद रखूंगी, जब से प्रॉब्लम्स आएगा या फिर बहुत हैप्पीनेस आएगा, आई एम ऑलवेज थिंकिंग माय अफॉर्चुनिटीज। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये सोचना है कि ये एक लेसन है, दिस इज अ लेसन जो मुझे सिखा रहा है। दुख में भी आप सोचो कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है। कोरोना के टाइम पे कितनी सारी चीजें सीखी, जिसको कुकिंग नहीं आता था उसने कुकिंग सीखा, है ना। सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है वो सीखा, क्योंकि सब सेपरेट हो गए, है ना। मदर फादर अलग, बच्चे अलग, माँ अलग, है ना। बहुत सारे फेसेस लोगों ने देखे हैं। तो उस सिचुएशन से अगर हम बाहर आए हैं, बहुत सारे बाहर आए हैं, तो दिस इज द लेसन फ्रॉम गॉड। खुशियां भी लेसन है और दुख भी लेसन है। तो ऑलवेज थैंक यू कहेंगे फॉर द ऑल लेसन्स। लाइफ में नेगेटिव पार्ट भी आएंगे, मन भी आती है कि नेगेटिविटी भी है पॉजिटिविटी भी है, दोनों बैलेंस करके हमें चलना है। स्लोली ओपन योर आईज, आंखें खुली है धीरे से, मेरे साथ करना है। अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट है, पॉजिटिव है तो राइट है। ओके एक साथ करेंगे। लाइफ में नेगेटिविटी भी आएगी और पॉजिटिविटी भी आएगी, मुझे क्या करना है, दोनों को बैलेंस। ओके लाइफ में नेगेटिव लोग भी आएंगे, है ना। विलन्स लोग आते हैं ना, जैसे बोलते हैं तू ये नहीं कर सकती, तेरे घर में तो यही होगा, दिस इज द नेगेटिव लोग, है ना। और पॉजिटिव लोग भी आएंगे, जैसे मदर फादर सपोर्ट करते हैं, अच्छे दोस्त। लेकिन क्या करना है हमें, उनमें बैलेंस करना है ना। नेगेटिव चीजें भी होगी लाइफ में और पॉजिटिव भी होगी। मिश्रा करो मेरे साथ, चंदन मैन, पायल, और जो भी लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं मेरे साथ करो, है ना। तो नेगेटिव चीजें भी आएगी लाइफ में, पॉजिटिव भी आएगी। मैं क्या करूंगी, सबको बैलेंस। बिकॉज जैसे रात होती है वैसे ही मॉर्निंग होती है, और हम दोनों में नॉर्मल रहते हैं ना। रात आती है तो हम एंजाइटी में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स, अरे रात हो गई मैं क्या करूं, नहीं करते हैं। तो दुख में भी बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस, है ना। मॉर्निंग आती है तो हम फ्रेश होते हैं, है ना, लेकिन रात होती है तो हम सैड होते हैं। हाँ हमें दिन भर की थकावट लगती है, लेकिन ऐसा करते हैं कि अरे रात हो गई मैं क्या करूं, अभी ये होगा अभी ये होगा, नहीं, नॉर्मल रहते हैं ना रात को भी। वैसे ही हमें प्रॉब्लम्स में भी नॉर्मल रहना है। ओके तो एक साथ करते हैं, लाइफ में नेगेटिव चीजें भी आएगी और पॉजिटिव भी आएगी, हमें क्या करना है उसको बैलेंस। तो आज से माइंड हमारा सेट कैसे हो गया है, नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, और हमें करना है उसको बैलेंस। नेगेटिव के बाद पॉजिटिव भी आएगा, और पॉजिटिव सिचुएशन के बाद नेगेटिव आएगा, और हमें करना है उसको बैलेंस। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े, लेकिन निधि है, फिर चेतना बहन है, उन्होंने मेरी लाइफ को देखा है बदलते हुए। कभी भी सडनली प्रॉब्लम्स आ जाता है, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, फैमिली वाले हॉस्पिटल में है, मेरा काम रुका, मैंने हॉस्पिटल से भी डाइट प्लान बनाया है, मैंने हॉस्पिटल से भी वेबिनार्स लिए हैं, राइट। कोई भी सिचुएशन हो, साइड पर कुछ भी चला जाए, घर पे काम हो, कोई फैमिली मेंबर चला जाए, कुछ भी हो जाए, ऑलवेज हमें क्या करना है, बैलेंस्ड। तो सिर्फ हमें सिखाना नहीं है, खुद भी सीखना है। तो आज से हम सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीजें सीखेंगे और वैसे ही हमारी आदतें बदलेगी। ओके आर यू रेडी। आज से क्या होगा, नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, हम उसको बैलेंस करके रखेंगे, दोनों सिचुएशन में बैलेंस। सुख में क्या करना है, बहुत छलक नहीं जाना यार, मैं तो बहुत नो प्राउड नहीं करना है, और दुख में भी बहुत दुखी नहीं होना है, यार मेरे साथ ही कैसा क्यों होता है। हम सोचते हैं ना कभी कभी कि मेरा ही लॉस क्यों होता है, मुझे ही अच्छी जॉब क्यों नहीं मिलती है, मेरे ही मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते,
मेरी ही फिगर अच्छी क्यों नहीं है, उसकी अच्छी है ना, मैं भी ऐसा सोच रही थी, मेरे पास ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ही मुझे क्यों परेशान करते हैं, मेरा हस्बैंड ही मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते ना? लेकिन हमारे पास जो है वो बाकी के लोग तरसते हैं हमारे लिए। निधि के पास आज जो भी है, उसने जितना भी अर्न किया है लाइफ में, ये उसको पता है, और इसके लिए इसके जो भी फ्रेंड है वो तरसते ऐसी लाइफ के लिए, इतना उसने अर्न किया है। चंदन बहन जो है हमारे ग्रुप में अभी, उन्होंने भी जो लाइफ थी पहले 2 महीने 3 महीने पहले, अभी वो जैसी है स्टेबल है, वो सिर्फ हमारे वेबिनार की वजह से बैलेंस लाइफ में वो सीख गई है अभी, उसको कैसे करना है, सिचुएशन को टैकल कैसे करना है ना। तो हमें ये सीखना है कि सिचुएशन कैसी भी आए, शी इज अ फाइटर। वो अभी थोड़ी सी झांसी की रानी टाइप बनने जा रही है चंदन बहन। निधि ऑल्सो ऑलरेडी झांसी की रानी है, तो हमें ऑलवेज ट्राई सैड, हमें क्या करना है, माधुरी दीक्षित करना है, ऑलवेज स्माइल, सुख हो दुख जस्ट स्माइल। क्योंकि अगर स्माइल करते हैं और सिचुएशन को देखना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक रास्ते आते हैं, राइट? कुदरत के रूल्स होते हैं कि प्रॉब्लम भेजना है ना, तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक उसके साथ हो जाता है, दिखता नहीं है हमें। बट व्हेन यू तुम शांत हो, आप शांत हो जाओ, देखना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक वो हेल्प भेजता ही है। तो क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में आते हैं, और उसको दोनों को हमें इक्वल देखना। ओके, सो आज से कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए, हम बैलेंस रहेंगे, हम माधुरी दीक्षित की तरह बिहेव करेंगे। लाइक स्माइल, उसकी स्माइल कितनी अच्छी है ना, देखो मेश्वर की अच्छी स्माइल दिख रही मुझे माधुरी जैसी, तो स्माइल हमारी करेंगे। स्माइल में बहुत सारी थी। हमारी थी बहुत ही दुखी, बहुत मुझे लगता था कि सारे प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ही है, पर मैं जब भी मैंने सीखा मेरे टीचर से, तो अभी मैं मीना कुमारी और झांसी की रानी ऑलवेज फाइटर ना, क्योंकि जैसे मॉर्निंग होती है ना मदर की लाइफ में या हाउसवाइफ, जैसे मॉर्निंग होती है ना प्रॉब्लम, या जो भी स्टूडेंट है 100 प्रॉब्लम घर पर घेरा करती है, ये है ये है ये, लेकिन हमें क्या करना है, शांति से दोनों को बैलेंस। हमारे बहुत सारे रोल्स है, मदर है, सिस्टर है ना, और अपने आप को भूलना नहीं है, सेल्फ लव इज मस्ट। अगर अपने आप को भूल गए ना तो खो गए, सही बात है। राइट? अपने आपके लिए आधा घंटा निकालो, अफर्मेशन पढ़नी है, और इवनिंग में अपने आपको प्रॉमिस दो, इवनिंग में भी आएंगे, वहां पर भी नई नई टेक्निक सीखेंगे, अपने आप को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि नो बडी इज परफेक्ट, एवरीबडी कुछ ना कुछ एवरीडे सीखना ही रहता है, और अगर सीखते हैं ना इवनिंग में अपने आप को पॉसिबल ग्रो कर पाते हैं। बोलिए, इवनिंग में पॉसिबल जैसे मैं मेरे सर के साथ लेक्चर लेती हूँ, मेरे भी गुरु है, उनके साथ जैसे मैं करती हूँ, काम हमारा काम रहता ही है, लेकिन किचन में कैमरा रख दो, ओके काम करते रहो, कान तो चालू है ना, कान से तो कुछ नहीं करते ना, सुनते रहो, थोड़ा सा 5% तो आप सुनोगे ना, 5% राइट बहुत ज्यादा, एवरी डे 5% करोगे ना, 8 दिनों के बाद एक अलग ही हो जाओगे। पर से नहीं ओके, दृष्टि भी नहीं करवा ना माने पंछी काले हो बनो ब करा ही हूं तो डॉक्टर आती पर घर में होए ना किचन में होए तो पछि आपणे ई लो शांति थी ना करते और तो ध्यान ओला में और तो ध्यान क्या हो सच्ची नो बात प्रॉब्लम छे, लेकिन सच्ची बात छे, सच्ची बात देखिए, सच बात कुछ भी नहीं है, जो हम सोचते हैं ना वही हम सच समझते हैं, लेकिन अगर हमें जरूर है करना है तो हम करके रहेंगे। इट्स अ वैल्यू, अगर आपको वैल्यू होगी तो कुछ भी करके सुनोगे, बोलोगे नहीं ना, कई सांभळ्यु बार ऐसा खरु होता है एक ना, बार तू करवा अगर आप, हम बोलते हैं ना, मेरे सांभळ्यु पास, खरी ठीक हमें है, हम बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन लाइफ में कभी ऐसी ट्रेजेडी हो जाए कि भी डॉक्टर बोले कि 5 लाख लेके आओ, आप लाओगे कहाँ से आएंगे वो पैसे? वैल्यू, अगर आपके पास वैल्यू है, मुझे सीखना है, मुझे अपने आप को एटले मैं बदलना पण है, एवुं ज आप करूं तू कहीं जॉइन पे भी करे अरेंज तू पण करो। रेकॉर्डिंग करीन सांभळ्यु तू एम એટલે રેકોર્ડિંગ કરી નાખીએ તો વાંધો નથી આવતો જો પાછીથી ટાઈમ મળે ત્યારે સાંભળી લેવાય એમ ओके, मैं जो विवेक सर है उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रिकॉर्डिंग करे सबके लिए,
तो वो सब सुन पाए बाद में। ओके ट्राई करना, लाइव यार, सुनो फिर से थैंक रिकॉर्डिंग भी सुनोगे। ओके यू। ओके थैंक यू ख्याति फॉर कमेंट्स। ग्रुप में जरूर से शेयर करना आपको कैसा फील हुआ, और आज नई चीजें मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। ओके और पूरा दिन हमें साथ में करना है, जो भी खाते पीते हो पिक्चर शेयर करो वहां पे, दूसरे को मोटिवेट करो है ना, और जो भी प्रॉब्लम्स है क्वेश्चंस है ग्रुप में डालेंगे। ओके सो बाय एक्चुअली एवरीवन। आती हूँ तो यस सारा साथ मीटिंग का थी, मैं तो सोती थी, उठी ना मैसेज देख मैं जो ही गया अभी नो प्रॉब्लम। अवे आशी आप ट्राई करी सु के रिकॉर्डिंग था है एंड पर टाइम ना ना जैसे तो यार मैं पर नहीं हमारे रहना। पर रिकॉर्डिंग, अरे जुम्मा पर रिकॉर्डिंग થાય છે, તમે સ્ટાર્ટ કરો ને એ ટાઈમે, તમે એ પૂછે છે કે રેકોર્ડિંગ કરવાનું કે નહીં, તો એ ટાઈમે તમે રેકોર્ડિંગ એક્ચુઅલી કરવાનું નથી, તો રેકોર્ડિંગ તમે તમને રેકોર્ડિંગ ઓલવેઝ થાય છે, બટ જે અમુક રૂલ્સ હોય, લાઈક સર જે છે આપણે વ્યવેશ સર છે, રેકોર્ડિંગ એટલે નથી કરતા કે લાઈવ ઇઝ લાઈવ, રાઈટ? લાઈવ માં જે તમે રાઈટ, વાત મારી સાથે કરી, જે લોકો રેકોર્ડિંગ જોશે એ લોકોને વાત કરવા મળશે, એ લોકોને લાઈવ એક્સપિરિયન્સ કરવા મળશે, નહીં? ધેટ્સ માય લાઈવ। લેટ બટ લેટ મી અગર તમે ક્લેરિફાઈ ઇશ્યુ ધર્સ્ટી ધર્સ્ટી થોડો લેટ કરીએ તો અમે ધર્સ્ટી લાઈવ। યસ ધર્સ્ટી લેટ મી ક્લેરિફાઈ, જે તમને ફિલિંગ્સ લાઈવમાં આવશે એ તમે જો રેકોર્ડિંગ સાંભળશો તમે એ વસ્તુને ફીલ જ નહીં કરી શકો, અને એટલે જ હું રેકોર્ડિંગ નથી કરતો. અવાજ નથી આવતો, થોડું થોડું અવાજ આવે છે બધાને સરનો, થોડો ના નથી આવતો. લાઉડ કરો ને, થોડો ઓકે, થોડો ઓછો આવે છે। સો ધ મેઇન ઇન્ટેન્શન ઇઝ ધેટ આઈ એમ નોટ ગિવિંગ રેકોર્ડિંગ, એનું રીઝન એક જ છે કે તમે લાઈવ કરશો તો તમને વધારે ફિલિંગ થશે, તમે વધારે કનેક્ટ કરી શકશો. અધરવાઇઝ તમે મૂવી જોતા હો તમને એવું લાગશે મૂવી પતી ગયું, ખલાસ. તમને એનર્જી શું છે, ટ્રાન્સફોર્મ શું થઈ, તમને શું શીખ્યા, દેટ તમને કનેક્ટિવિટી નહીં થઈ શકે. એટલે મારા જે રૂલ્સ છે અમુક બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે, એ દ્રષ્ટિને ભી ખબર છે હું રેકોર્ડિંગ નથી આપતો જનરલી, કારણ કે એનર્જી કનેક્ટ ક્યારે થાય, જ્યારે તમે ફેસ ટુ ફેસ વાત કરો ત્યારે. એટલે મારા રૂલ્સ તો તો પ્રોબ્લમ નહીં થી, આપણે મત, ઐસા કરતે વાંધો કે નહીં, આપકે તમને જો લિયે થોડા સા પ્રોબ્લેમ લેટ હોય કરેંગે, બિકોઝ નહીં, આપકો પ્રોબ્લેમ હોય તો હું અર્લી રેકોર્ડિંગ કરો। કરી દઈશ અને રેકોર્ડિંગ શેર કરીશ, પણ તમને જો ડાઉટ આવે તો પાછા પૂછજો મને, સો દેટ આઈ કેન ગીવ ધ આન્સર. અધરવાઇઝ તમને રેકોર્ડિંગ મળ્યા સાંભળ્યું યસ કે પછી એક યસ 4 યા 5 o'clock પર રાખો કરો તો વાંધો નથી અમને। કારણ કે મારા પોતાના ભી ક્લાસીસ હોય છે, એટલે હું કન્ડક્ટિંગ. લેટ્સ સી ગ્રુપ માં હમ લોગ ડિસ્કસ કરતે, ઠીક હૈ? ઓકે 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 દી મને ઓકે કોઈ પણ ચલો ટાઈમ ચાલશે, બસ એડવાન્સ માં કહી દેજો તો મેં ઉઠી જો બસ. દીદી, મેં અભી મીશો આપકો વિડિયો કોલ કરતી હું, અભી મેં આપકો વિડિયો કોલ કરતી હું, યે મીટિંગ ખતમ હોને કે બાદ। કે બટ આઈ વોન્ટ ટુ શેર સમથિંગ, મતલબ બધા સામે શેર કરવું છે કે મતલબ હું દ્રષ્ટિ દીને બહુ બધા વર્ષોય ઓળખા છે, હું કહી શકી કદાચ કોન્ટેક્ટમાં માય બેસ્ટ, બહોત નથી, બહોત પુરાની ક્લાયન્ટ, પણ અભી તો ક્લાયન્ટ નહીં હૈ, વો મેરી બેટી હૈ અભી તો। મારી થિંક કે બદલી છે દ્રષ્ટિ દે, જે કોઈ પર પ્રેશર આવે છે વો નેગેટિવ, મારી આજુબાજુ વાળા પર